प्रॉब्लम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के बाद हमको प्रोडक्शन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी पड़ेंगी। तो प्रोडक्शन सिस्टम को आप रिकॉल कर लीजिए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया होगा प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली प्रोडक्शन सिस्टम में रूल्स होते हैं, रूल अप्लायर होता है, नॉलेज होता है और ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मिलकर प्रोडक्शन सिस्टम बनाती है। प्रोडक्शन सिस्टम का काम होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है वो सारी हमें प्रोडक्शन सिस्टम में मिलती है। तो प्रोडक्शन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किस किस तरीके के प्रोडक्शन सिस्टम हो सकते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम। चार तरीके के बेसिकली होते हैं पर यहाँ पे पांच मैंने लिखे हैं। मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम, नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम, पार्शियली कम्यूटेटिव, नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। तो इनको समझना बेहद जरूरी है कि प्रोडक्शन सिस्टम किस किस तरीके से मूव करता है। पर आप एक चीज पहले समझ लीजिए कि अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन सिस्टम से ही सॉल्व होगा। वो किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम से सॉल्व हो सकता है, पर डिपेंड करता है कि वो जल्दी सॉल्व हो रहा है या लेट सॉल्व हो रहा है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्शन सिस्टम से अगर हम सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन उसमें होता है तो हम उसको वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन सिस्टम के टाइप में बोल सकते हैं। लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम सभी तरीके के प्रोडक्शन सिस्टम से सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम। मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम में होता है कि आपने जो रूल अप्लाई किया है वो आगे आने वाले रूल की एप्लीकेशन को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अ रूल नेवर प्रिवेंट द लेटर एप्लीकेशन ऑफ अनदर रूल दैट कुड ऑल्सो हैव बीन अप्लाइड एट द टाइम द फर्स्ट रूल वॉज सिलेक्टेड, ठीक है। आपने पहले रूल जब सिलेक्ट किया था तब अगर वो रूल अप्लाई हो रहा है तो आगे आपका आपने जो भी रूल अप्लाई किया है वो उसकी आगे आने वाली एप्लीकेशन को कभी भी उसको परेशान नहीं करेगा या उसको मतलब अप्लाई होने के लिए नहीं रोकेगा, ठीक है। तो इसको मोनोटोनिक क्यों बोला गया है। मोनोटोनिक का मतलब होता है एक ही तरीके से जाना। अब जैसे इसमें ये बोल रहे हैं, मान लो जैसे वाटर जग प्रॉब्लम था, अब मान लो ये वाटर जग में हमने 00 से शुरू किया था, 00 से आया था 40, 00 और 30, अब ये 00 फिर से आ गया, ठीक है। अब इसमें फिर से 40 अप्लाई हो सकता है, फिर से 30 अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर कोई रूल अप्लाई करके आपका ये रूल आया, ये स्टेट आया था, अब यहाँ पे वही रूल अप्लाई करके ये आया, तो यहाँ पर ये दूसरा रूल अप्लाई करके ये आया, लेकिन अब ये वाला रूल अप्लाई करके आया, तो ये मोनोटोनिक हो गया, मतलब ये एक जैसा चलता जाएगा, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो ये मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम हो गया। नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम जिसमें ये ना हो, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से और समझेंगे। पार्शियली कम्यूटेटिव, इफ द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, अभी रूल की बात कर रहे थे, अब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ऑफ रूल ट्रांसफॉर्म स्टेट एक्स इंटू वाई, देन द परम्यूटेशन ऑफ दीज रूल्स दैट इज अलाउएबल आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द एक्स इंटू वाई। दो स्टेट हैं, एक्स से वाई में चेंज करना है। अगर कोई सीक्वेंस रूल्स का एक्स को वाई में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका कोई भी परम्यूटेशन मतलब उन रूल्स का आगे पीछे करके भी अलाउएबल होता है एक्स को वाई में चेंज करने के लिए, ठीक है। पार्शियली नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव में ये सब नहीं होना चाहिए। और कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम वो होते हैं जो मोनोटोनिक भी हो और पार्शियली कम्यूटेटिव भी हो, मतलब जहाँ पे रूल की एप्लीकेशंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आगे पीछे और सिक्वेंस में भी कोई फर्क, सिक्वेंस भी अलाउ होते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा। तो प्रोडक्शन सिस्टम कैटेगरीज में यहाँ पर चार प्रॉब्लम रखी गई हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं। मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, पार्शियली कम्यूटेटिव, नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव। ये जो प्रॉब्लम है थ्योरम प्रूविंग, ये मोनोटोनिक भी है पार्शियली कम्यूटेटिव भी। नॉन मोनोटोनिक है रोबोट नेविगेशन और पार्शियली कम्यूटेटिव है। नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव है केमिकल सिंथेसिस और मोनोटोनिक भी है। ब्रिज जो एक प्ले गेम है उस वो प्रॉब्लम नॉन मोनोटोनिक है और नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम, पार्शियली कम्यूटेटिव मोनोटोनिक, है ना। पार्शियली कम्यूटेटिव मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम आर यूजफुल फॉर सॉल्विंग इग्नोरेबल प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे थ्योरम प्रूविंग। अगर आपने कोई स्टेट चूज कर लिए तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो।
Problems that involve creating new things rather than changing old one are generally ignorable. आप नई चीजों को क्रिएट करो रेदर देन कि आप पुराने को चेंज कर रहे हो, उनको हम बोलते हैं इग्नोरेबल प्रॉब्लम्स. ठीक है, मतलब इग्नोरेबल प्रॉब्लम और पार्शियली कम्यूटेटिव मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम एक जैसी डेफिनेशन को बिलोंग करते हैं. ठीक है, अब आते हैं नॉन मोनोटोनिक पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम. जो नॉन मोनोटोनिक भी है पार्शियली कम्यूटेटिव भी है, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है जिसमें चेंजेस तो ऑकर होते हैं और जो रिवर्स हो सकते हैं. ठीक है, मतलब पीछे जा सकते हैं और जिसमें ऑर्डर जो होता है ऑपरेशन का वो इतना क्रिटिकल नहीं होता, किसी भी ऑर्डर में हम काम कर सकते हैं क्योंकि ये पार्शियली कम्यूटेटिव है. पर ये क्या है, नॉन मोनोटोनिक है. ठीक है, क्लियर है. और मोनोटोनिक में मैं इग्नोरेबल था, मतलब जो स्टेट आ गई उसको इग्नोर करना है. यहाँ पर आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको रिवर्स कर दो, फिर से आप पुराने पे पहुंच जाओ और जो ऑर्डर है वो इतना क्रिटिकल नहीं होगा. नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम जो होते हैं वो ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम में जिसमें इररिवर्सिबल चेंज आते हैं. इररिवर्सिबल चेंज मतलब आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं. द ऑर्डर इन विच दे आर परफॉर्म्ड कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फाइनल आउटपुट. ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने केमिकल सिंथेसिस में देखा, अगर आपने एक कंपाउंड में दूसरा कंपाउंड मिला दिया तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है ना, जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नॉट पार्शियली और नॉन कम्यूटेटिव प्रोडक्शन, तो नॉन पार्शियली नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं जो कि रिवर्सिबल चेंजेस जिसमें ऑकर होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम में जिसमें रिवर्सिबल चेंजेस ऑकर हो सकते हैं और ऑर्डर जो होता है वो मैटर करता है. जैसे कि ब्रिज प्रॉब्लम में आप अपना जो भी आपने पत्थर डाला है वो उठा सकते हैं बाद में, तो लेकिन जो आपने ऑर्डर लिया है वो मैटर करेगा. गोल स्टेट से स्टार्टिंग में या स्टार्टिंग से गोल में सर्च कर रहे रीजनिंग और गोल से स्टार्टिंग में कर रहे हैं उसको बोलते हैं बैकवर्ड रीजनिंग. तो ये डिपेंड करता है, किसी किसी प्रॉब्लम में स्टार्ट से गोल में जाना सही रहता है, किसी किसी प्रॉब्लम में गोल से स्टार्ट में जाना सही रहता है. फिर होता है हाउ टू सिलेक्ट एप्लीकेबल रूल्स, मतलब मैच कैसे कर रहे हो आप रूल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डालने के लिए, मैचिंग की प्रॉब्लम है. हाउ टू रिप्रेजेंट ईच नोड ऑफ द सर्च प्रोसेस, ये इसको बोलते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम या फ्रेम प्रॉब्लम. आप जो भी सर्च करने जा रहे हो उसके लिए आप हर एक नोड को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, नॉलेज को आपके किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो. फिर आता है कि आपकी सर्च जो है आप सर्च ट्री के रूप में बता रहे हो या सर्च ग्राफ में. सर्च ट्री की अलग एडवांटेज होती है सर्च ग्राफ की, इसकी भी डिसएडवांटेज भी होती है दोनों की. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप सर्च ट्री में बताना चाह रहे हो या सर्च ग्राफ में. अब कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं एआई की जो अभी तक कवर नहीं हुई हैं, उनको हम देख लेते हैं. थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन प्रॉब्लम्स का दे देती हूँ. पहली प्रॉब्लम है द मिशनरीज एंड कैनिवल प्रॉब्लम. मिशनरी कैनिवल प्रॉब्लम में क्या है, तीन मिशनरीज हैं और तीन कैनिवल्स हैं. एक बोट है, सभी नदी के एक पार हैं, उनको दूसरे पार जाना है सभी को. कंडीशन ये है कि मिशनरीज जो हैं वो कैनिवल पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा ये चाह रहे हैं कि बोट में भी या तो नंबर ऑफ मिशनरी नंबर ऑफ कैनिवल के बराबर हो या उनसे ज़्यादा हो, किसी भी साइड नंबर ऑफ मिशनरी नंबर ऑफ कैनिवल से कम ना हो ना कि और ना ही बोट में कम हो. तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन मैं यहाँ नहीं बता रही. टावर ऑफ हनोई में होता है कि आपको तीन पैग्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कुछ प्लेट्स दी गई हैं इस पैग में, इसको हमें दूसरे में शिफ्ट करना है. एक पैक को हम इंटरमीडिएट की तरह यूज कर सकते हैं. कंडीशन ये है कि एक बार में आप एक ही डिस्क को मूव कर सकते हैं और दूसरी कंडीशन ये है कि हमेशा बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क आएगी. ठीक है, छोटी के ऊपर बड़ी नहीं लगा, जैसे आपने अगर इसको यहाँ मूव करा तो दूसरे को यहाँ मूव नहीं कर सकते, फिर आप इंटरमीडिएट वाले को यूज कर सकते हैं और आपको ऐसा का ऐसा दूसरी जगह मूव करके दिखाना है. फिर आता मंकी एंड बनाना प्रॉब्लम. मंकी एंड बनाना में एक सीक्वेंस फाइंड करना होता है. आपके मंकी है एक रूम में, बनानास आपके एक सीलिंग पर टंगे हुए हैं रूम में, एक आपकी चेयर है, एक छड़ी है. अब आपको वो सीक्वेंस बताना है कि वो मंकी उस बनाना को कैसे लेगा. क्रिप्ट अर्थमेटिक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी दिया हुआ है. यहाँ पर हमें इन इन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेट पर हमें
कोई एक डिजिट डालनी है, ठीक है, और उनका एडिशन यहाँ निकालना है। कंडीशन ये है कि जैसे हमने एम को कोई डिजिट सिलेक्ट करी तो वो वही डिजिट एम की रहेगी, एम की डिजिट चेंज नहीं होगी, ठीक है, और रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एम और ओ की एक ही डिजिट से हम नहीं शो कर सकते, अलग अलग डिजिट होनी चाहिए। इसी तरीके से डोनाल्ड और गार्लैंड इज इक्वल टू रोबर्ट, क्रॉस प्लस रोड इज इक्वल टू डेंजर, इनका सॉल्यूशन मैंने अभी नहीं बताया है, इसको मैं बाद में बताऊंगी। तो ये कुछ एडिशनल प्रॉब्लम होती है एआई की जिसको हमको सॉल्व करना पड़ सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम ह्यूरिस्टिक को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ह्यूरिस्टिक जो हमने अभी एक जनरल नॉलेज लिया था उसका पिछले लेक्चर में, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।